अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मिलियनेयर मेरे साथ है शकील अहमद। शकील अहमद 23 इयर्स ओल्ड है, टॉप सेलर है दराज पे, एक स्टोर इनका अकेला है। ही हैज मल्टीपल स्टोर्स जिनकी मैं खुद पर्सनली वेरीफाई कर चुका हूँ, स्टैट्स आपके सामने होंगे। सिर्फ हमने जो नाम है वो मिटाया हुआ है, 8 लाख रुपए बिजनेस कर चुके हैं इन द पास्ट मंथ। ठीक है, सो ये हमारे साथ वो हर बे शेयर करेंगे, हमें सिखाएंगे कि हम कैसे दराज पे स्टोर शुरू कर सकते हैं, उसके टैक्टिक्स अंदरूने, ताकि आप फेल, आपके जो फेल होने वाले चांसेस हैं वो कम हो जाएं। लेकिन पहले मैं इनसे पूछूंगा, 23 इयर्स के तो आप हैं, बिल्कुल, आपने शुरू कब किया था? शुरू मैंने 2017 में किया था, और एक घर से ही किया था, एक सिंगल लैपटॉप और थोड़ा सा सामान जो कि मैंने शाह आलम से परचेज किया था, और वही सेल करना स्टार्ट किया था। और अचानक से ये था कि एक प्रोडक्ट मेरी वायरल हो गई, बूस्ट हुई वो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस सिंगल प्रोडक्ट से 5 लाख टू 8 लाख अर्न किया, और उसके बाद मुझे दराज की जो टॉप टीम है उन्होंने बुलाया मीटिंग के लिए, और इस तरह से एक मेरा सफर, एक जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई। अच्छा, आइडिया कब आया, कैसे? आइडिया इससे पहले ये था कि मैं और एक मेरा दोस्त दराज दोस्त के लिए गए थे इनके दराज के ऑफिस, और वहां पे कुछ लोग आए थे जो वेंडरशिप की बात कर रहे थे। तब दराज वेंडरशिप नहीं ऑफर कर रहा था, अभी बहुत लिमिटेड वेंडर्स के साथ था, केमू अभी रिसेंटली उन्होंने बाय किया था, ये रॉकेट की बात है, तब अलीबाबा भी नहीं था, अलीबाबा ने भी अक्वायर्ड नहीं किया हुआ था। तो एक दराज दोस्त इनका छोटा सा प्लेटफॉर्म था, प्रोग्राम था, जिसपे ये चीज़ बेचने पे आपको कमीशन देते थे, जैसे दराज एफिलिएट अब उन्होंने चेंज कर दिया उसको। तो उधर से था कि उधर वेंडर्स के लिए लोग आए हुए थे, उनको वेंडरशिप तो ऑफर मिल नहीं रही थी, अभी ओपन नहीं हुई थी, बाद में लेटर ऑन विद इन 1 मंथ और 2 मंथ इन्होंने वेंडरशिप ओपन की, तो हम इनिशियल वेंडर्स जो 2017 में आए थे उनमें से थे। पार्ट टाइम किया आपने, अपनी बेडरूम से किया, कितने पैसे में शुरू? मैंने 25,000 ऑलमोस्ट 25,000 एंड यू नो मैं कहता हूँ कि 25 लाख भी लोग लगा देते हैं। लोग पैसे तो आपने लगाने हैं, अकल से लगाएंगे तो दिस इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस स्केल सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। अब ये बंदा है घर बैठा हुआ है, या तो खुद प्रोडक्ट बनाता है या इसको प्रोडक्ट खरीदना है, जो भी आपने ऑप्शन लेना है, ये कैसे स्टार्ट करे, सबसे पहले कहाँ जाए? सबसे पहले तो आपके पास ऑनलाइन शॉप होनी चाहिए। ऑनलाइन शॉप के लिए आपके पास बेसिक चीज़ें क्या है, एक नंबर, एक ईमेल, आईडी कार्ड की फ्रंट बैक की स्कैन कॉपी, चेकबुक की कॉपी एक, यानी आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। सिंपली जाएं सेल ऑन दराज पे, जाएं सेल ऑन दराज पे, आप अपना अकाउंट साइन अप करें, इंडिविजुअल कर लें, अगर बिजनेस ऑलरेडी रन है तो बिजनेस कर लें, इंडिविजुअल पे आप प्रॉपर एक साइन अप करेंगे जिस तरह फेसबुक आईडी बनाते हैं, सिंपली आप अपना सेलर अकाउंट बनाएं, एट द एंड उनके फ्लायर्स ऑर्डर करना लाजमी है जहां से आके बहुत ज़्यादा लोग रह जाते हैं। Daraz.pk पे जाएं, वहां पे अपना सेम नंबर यूज़ करके आप उनके फ्लायर्स यानी पैकिंग उनकी ऑर्डर कर लें, और जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं, यानी आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं, अपनी प्रोडक्ट अच्छी फोटोग्राफी के साथ लिस्ट कर दें, आपकी ऑनलाइन शॉप स्टार्ट है। इसके अलावा अब बिल्कुल न्यू भी हैं, आपको कोई आइडिया नहीं, आपने इस काम में जाना है, तो लाहौर कराची के लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है कि आप होलसेल मार्केट विजिट कर सकते हैं। होलसेल मार्केट में आपका जो दराज का 80% सेलर शाह आलम या कराची की डिफरेंट सदर मार्केट वगैरह से ले रहा होगा, बहुत ज़्यादा सेलर्स ऐसे हैं, बहुत कम सेलर ऐसे हैं जो कि अलीबाबा से मंगवा रहे हैं, तो आप अलीबाबा का वे भी यूज़ कर सकते हैं, और आप शाह आलम या जो अपने नियरेस्ट होलसेल मार्केट है वहाँ का भी वे यूज़ कर सकते हैं, कि आप वहाँ से कुछ कुछ आइटम्स लें, यानी एक एक दर्जन आइटम्स लें होलसेल प्राइस पर, उनकी अच्छी फोटोग्राफी करें, अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखें और लिस्ट कर दें, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में आपने कोशिश करनी है अपने मार्जिन्स अपने इतने ज़्यादा नहीं रखने कि आप पैसे की तरफ जा रहे हैं, शुरू में आप कस्टमर्स की तरफ जा रहे हैं, तो कस्टमर अपने ज़रा बिल्ड कर लें, आपकी ऑडियंस बिल्ड हो गई, एक दफ़ा स्टोर के फॉलोअर्स बिल्ड हो गए, जैसे ही कोई आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे फॉलोअर्स को ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे इजीली आप सेल कर सकते हैं, और इजीली आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोविड में मेरे कुछ दोस्तों ने स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी 50+ अर्न कर रहे हैं, 50+ 50K+ अर्न कर रहे हैं, 50,000+ मंथ अर्न कर रहे हैं, जबरदस्त हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट्स कौन सी आप रेकमेंड करेंगे, कौन सी आप कहेंगे कि यार इनको मत टच करना, दराज पे नहीं बिकती? हेल्थ प्रोडक्ट लाइक अभी अगर कोविड चल रहा है तो हर कोई मास्क बेचने के लिए जाएगा, मास्क वो अलाउ नहीं करते विदाउट सर्टिफिकेट। अभी रिसेंटली दराज ने ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जितनी भी ब्यूटी की मेजर ब्रांड्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आप उनकी भी विदाउट एनी इनवॉइस यानी ब्रांड की तरफ से इनवॉइस के बगैर आप नहीं बेच सकते, क्योंकि वो नकल बिल्कुल रेप्लिका है उस पे सारा। इसी तरह सेम एज हैंड फ्री में भी आप नहीं जा सकते, उन्होंने वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि विदाउट एनी लिस्ट यानी एनी इनवॉइस आप वो भी नहीं बेच सकते। तो ऐसी आइटम्स जो कि आप जैसे ही आपका दराज का अकाउंट बन जाएगा वहां पे एक पोर्शन है रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स, वहां पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि ये ब्रांड्स नहीं आप बेच सकते विदाउट इनवॉइस, ठीक है, वो उनसे आपने
जरा दूर रहना है, अदरवाइज आप कुछ भी आपके नियरेस्ट कोई चीज बन रही है आप उसको बेचना स्टार्ट कर सकते। असल में दराज ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बंदा आम जो होता है नादान कस्टमर वो चीज ले लेता है समझ के कि जी दिस इज दी ये जी मैक्स फैक्टर की चीज है, ये जी ऑयल ऑफ यूले है वगैरह वगैरह, लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो उसको पता चलता है ये तो मैक्स बैक्स्टर है, ठीक। तो जब वो वापस बेचता है तो असल में दराज की खुद की रेपुटेशन खराब होती है, और यार दराज से मत लेना सारे स्कैमर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, प्री एम्प्टिवली ये स्ट्राइक लगा देते हैं कि भाई हमें ये चीजें बेचनी नहीं है। ये है ना एक नेगेटिवली बात फैली हुई है कि दराज में हर कोई ना स्कैमर होता है। आपकी रिटर्न रेट क्या है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न रेट ये 11-11 चल रहा है हमारा सीजन, तो ये ऑलमोस्ट वीडियो वीक बाद जाएगी, तो इसमें ऑर्डर रेशियो बहुत हाई होती है। ऑर्डर रेशियो हाई होने के बावजूद मेरा इस वक्त 1.37% है, जो कि आपको स्टैट जो शेयर करेंगे हम उसमें भी आपको नजर आएगा, उसमें हम दिखा देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट आप वो लिस्ट वाला ना करिए, जाली चीजें मत क्या कहते हैं बेचिए, और यार लुक डोंट ट्राई टू स्कैम दराज, वो आपसे बहुत बड़ी हस्ती है, पाकिस्तानी बब्बर शेर कोई नहीं है कि जी हमने इनको फुद्दू लगाया हुआ, आप खुद को गोली लगा रहे हो अपने पाँव में, बिकॉज आप ही का स्टोर बैन होगा एंड आपका ही हौसला पस्त होगा। बिल्कुल, अगर आपका स्टोर 3 times डीलिस्ट हो गया दराज की पॉलिसीज के अगेंस्ट तो वो आपको परमानेंटली क्लोज कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अच्छी बात है, क्योंकि ये जो शोधियां मारते हैं इनकी वजह से पेपाल नहीं आता, इन्हीं की वजह से एडसेंस पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, शायद इसी वजह से फेसबुक हमारी कंट्री में वो क्या कहते हैं अपना वो अब पैसे नहीं देता, और लॉट ऑफ लाइक ये जो अल्टरनेटिव्स हैं पेपाल की वो भी नहीं इस कंट्री में आते, क्योंकि उनको पता कि यार इतना स्कैम यहाँ पे चलता है स्क्रिल शिल का कि कहते हैं भाई रहने दो हमने इनके साथ डीलिंग ही नहीं करनी। हत्ता कि आजकल जो वो है ना प्ले स्टोर गूगल का, वो भी पाकिस्तानी को देख के उसको उसके अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जांच रहे हैं कि यार ये चीज़ें चोरी की लगाते हैं। हमारे साथ खुद हो चुका है, लोगों ने पाकिस्तानियों ने हमारी गेमें चोरी करके अपने स्टोर पे लगाई हुई हैं। तो पहले कोई एवेन्यू नहीं होता था, आजकल उन्होंने एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट लगाई हुई है जहाँ पे वो कोड पहचान लेते हैं और देखते हैं यार ये तो डुप्लीकेट है या कॉपी है, तो वहाँ से वो गंद वाला जो हटा रहे हैं, विच इज़ वर्किंग इन आवर फेवर, जो हम जेन्युइन कोड लिखते हैं। मैं अपनी तरफ से एक टिप दूंगा, मे बी यू विल अग्री विद मी, अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है लेकिन आपका कोई दोस्त यार रिश्तेदार दुकान चलाता है और वो दराज पे नहीं है, उससे जाके मिले, उसको बोले यार ये इस्त्री है आप 2000 की बेच रहे हो, अगर मैं होलसेल में आपसे लूं तो कितने की होगी, और वो होलसेल की क्या है कि मैं एक एक आइटम लूंगा, आपके पास 6 पड़ी हुई है, मैंने यही तस्वीर खींचनी है, मैंने दराज पे लगा देनी है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने मॉनिटर करना है, ये ना हो कि 6 की 6 बिक जाए उधर आपका ऑर्डर आ जाए। उसमें क्या होता है आपकी अपनी हिम्मत, दिन में 20-30-40 तगड़े उसके आइटम्स जो हैं उनको लिस्ट कर दो, और अगर वहां से ऑर्डर आ जाता है इसी से खरीद के वहां बेच दो, दिस इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे ये भी याद रखना कि लॉट ऑफ पीपल जो दराज पे खरीदते हैं वो प्राइस कॉन्शियस नहीं है, हैं भी और नहीं है। दराज इज अ सहूलत, ठीक है, दराज में थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन चलती है, थोड़ी तस्वीरों से चलती है, थोड़ी रेपुटेशन से चलती है। अब मैंने वो मंगवाए थे, मैंने टूटियां मंगवाई थी जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं हेडफोन्स, i12 वाली मुझे चाहिए थी, एक सेलर से मैंने जिसकी 5 लिस्टिंग्स है उससे ली, एक मैंने ली उससे जिसके पास 53 वो रिव्यू से 53 वाला असली निकला, जो 5 वाला था वो i11 निकला, i11 मुझे पता ही नहीं थी कोई चीज़ भी होती है, बट आई एम टेलिंग यू एक टूटी नहीं काम करी थी और टोटली घटिया थी। अच्छा जी, स्टोर आपने खोल लिया, अब एक्सपर्ट आपके सामने बैठा हुआ, खुद जाएंगे तो आपको धक्के खाने पड़ेंगे, आप गिरेंगे, आप फेल होंगे, लंबे रास्ते से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। यहाँ पे भाईजान आपको टिप बताएंगे कि 3-4 बता दें, आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि आपने वो मुश्किल से सीखा है। बेसिकली आपने फोटोग्राफी बहुत ऑसम करनी है, फोटोग्राफी और कंटेंट पे काम करना है, जो चीज़ की एक्चुअल वैल्यूज़ है ना, जो चीज़ की एक्चुअल जो वर्किंग है वो आपने वेल एक्सप्लेन करनी है कस्टमर को, कस्टमर को वो चीज़ बता देनी है आपने विजुअलाइज करके, पिक्चर के ऊपर ही छोटे छोटे स्टैम्प करके कि ये प्रोडक्ट ये भी काम करेगी, ये अप्रूव्ड है, इतनी बैटरी टाइमिंग है इसकी, पिक्चर आपकी जो होगी ना, जो मेन पिक्चर होगी वो आपकी इतनी अट्रैक्टिव हो कि कस्टमर आए क्लिक करे और बाय कर ले, सिंपल। और प्राइस आपकी प्राइसेस इतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि आप कहें कि मैंने बस इससे डबल कमाना है, इतनी हाई नहीं होनी चाहिए, अब बस नॉर्मल सी जो प्राइसेस आप कर सकते हैं कि आप मार्केट वैल्यू से हाई नहीं जाना, मार्केट वैल्यू से भी उन्हें लो देनी है ताकि वो कस्टमर वापस आए आपकी तरफ और अच्छा रिव्यू छोड़ के जाए। जो आपके रिव्यूज़ हैं वही असल में आपके ओरिजिनल दूसरे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे।
आपके रिव्यूज पे आपने काम करना है। उसके लिए जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ये है कि मैं कस्टमर को इनवेलप के अंदर एक के कार्ड बेचता हूँ, थैंक्स कार्ड, जिसपे मैं लिखता हूँ कि आपने अगर रिव्यू किया और मेरे स्टोर को फॉलो किया तो मैं 20 रुपीज का एक एक्स्ट्रा आपको वाउचर कोड दे दूंगा। अब नेक्स्ट टाइम आइएगा, 20 रुपीज का एक्स्ट्रा या वाउचर कोड यूज कीजिएगा। ये माइट भी मैं 50 भी करता हूँ, 100 भी करता हूँ, और किसी में फ्री शिपिंग भी होती है कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको फ्री शिपिंग दे दूंगा। तो ये डिफरेंट मेरी चीज़ें हैं जिससे ये है कि मुझे रिव्यूज़ आ जाते हैं अच्छे, मेरे फॉलोअर्स आ जाते हैं अच्छे, और मेरे स्टोर को अक्सर लोग फिर फेसबुक पे शेयर कर देते हैं। मैंने वो भी लिखा हुआ है कि आप फेसबुक पे शेयर करें मेरी प्रोडक्ट को, अगर आपको अच्छी लगी है तो हम आपको फॉलो करके आपको एक और वाउचर कोड दे देंगे। तो ये थोड़े से मार्केट टैक्टिक्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इस तरह से प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बूस्ट करें आपके कस्टमर खुद आपको। जबरदस्त, ये हो गए दो टिप्स, एक और हमें चाहिए आपसे स्क्वीज करना। हमने थर्ड टिप आ गया, हमने लिस्टिंग कर ली, आगे हम मार्केटिंग की तरफ कि दराज के अंदर कंपेन्स, दराज खुद मार्केटिंग करता है आपकी, जिसके अगेंस्ट वो आपसे कमीशन ले रहा है। तो दराज की जो कंपेन्स हैं, मेजर कंपेन्स, आपने उसके लिए तैयारी करनी है। आपके पास अच्छा स्टॉक होना चाहिए जो आपकी लास्ट 3 मंथ से चीज़ बिक रही है उसका, और वो प्रोडक्ट ही आपने बेस्ट प्राइस पे कंपेन में ऐड करनी है। लाइक अभी 11/11 चल रही थी तो ऑलमोस्ट हम रेडी थे, पहले से स्टॉक अपना एक्सपेक्टेड स्टॉक लास्ट 3 मंथ के एवरेज निकाल के रख लिया हुआ था, और हमने बेस्ट प्राइस ऑफर की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से हमारा ऑर्डर्स भी आया। इफ यू से कि ये जो आपकी सिर्फ ये जो 11/11 वाला पीरियड है, इसके सिर्फ दौरान आपके कितने ऑर्डर्स आए होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह 11/11 7 डेज की है, आज ये 3rd डे है, और अल्हम्दुलिल्लाह 2000+ इस वक्त चल रहे हैं। गुड हो गया। एक आखिरी टिप मैं दूंगा अपनी तरफ से, ही कैन एंडोर्स इट अगर मैं सही हूँ कि नहीं, कैन अ पर्सन रन एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल उसकी लिस्टिंग्स, लेकिन एक की कीमत बढ़ा के, एक की कम करके, एक का टाइटल बदल के, यहाँ पर यानी मुख्तलिफ, ताकि उसकी ज़्यादा चांसेस हो जाएं ग्राहक खींचने के? पहले दराज इस चीज़ को अलाउ कर रहा था, लेकिन दराज की रिसेंटली एक पॉलिसी आई है 1 मंथ अगो कि आप मल्टीपल लिस्ट नहीं कर सकते एक SKU को। आप एक SKU पे उतना काम करें कि वो अपने कीवर्ड पे टॉप पे आए। आपने असल में प्रोडक्ट को रैंक करना है, और रैंक की टेक्निक्स क्या है, दराज पहले अभी काम कर रहा है बेस्ट मैच, यानी कीवर्ड्स के हिसाब से बेस्ट मैच। आपका टाइटल आपके कीवर्ड के, आपकी प्रोडक्ट का जो टाइटल है, जो उसकी एक्चुअल कीवर्ड चीज है, यानी लाइक हम की रिंग है, की रिंग आपके टाइटल में होनी चाहिए। वही की रिंग जब कोई कस्टमर सर्च करेगा तो आप उस पर जितना विजिबल होंगे टॉप पे, उतने ज्यादा चांसेस आपके बिकने के। तो दराज कहता है कि आपके अच्छे रिव्यू हो, 5 स्टार हो, और अपने कस्टमर से आपने जो रिव्यू लेना है वो रिव्यू विद पिक्चर्स लेना है, ठीक है? तो वो उससे क्या है कि आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज्यादा दे देता है दराज, आपको लिस्ट रैंक कर देता है। तो उससे यह होता है कि आपके ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा आपके आ जाते हैं। ये जो विद पिक्चर्स का रोल है वो ये है कि जब आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को रिसीव करता है तो वो तस्वीर खींचता है, जी ये आई थी पैकेट में, ये देख लें, चाहे आगे हमारी इसको करीब खींच लेते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल कंटिन्यू टॉकिंग। तो बस वो आपने कस्टमर से करवाना है, क्या ये अपने रिश्तेदारों वगैरह से मांग लें? बिल्कुल ऐसे ही, अभी शुरू में आप यही कर सकते हैं, गिव अवे फ्री को, फ्री के गिव अवेज दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को कि यार मेरी एक चीज़ नहीं मैंने लॉन्च की है, ये चीज़ फ्री में लो, एक ऑनेस्ट रिव्यू मुझे दे दो। ऑनेस्ट रिव्यू लेना है आपने कस्टमर को फ्री में दे के, अपने ही कस्टमर को एक साथ फ्री में चीज़ भेज देनी है कि यार ये चीज़ लें मेरे से, आप ऑर्डर करें, मैं वाउचर कोड देता हूँ आपको, आप ये तो मेरे से बाय कर ही रहे हैं, ये भी आप बाय कर लें, और एक ऑनेस्ट रिव्यू मुझे दे दीजिएगा। गुड हो गया। एक टैक्टिक मैंने देखा था, चाइनीज जो है ना वो यूके में ईबे पे इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक तगड़ा सा माउस लिया चाइना से, और 1 पाउंड का वो बेच रहे थे, और वो DHL के जरिए से डिलीवरी कर रहे थे, बड़ी तेजी से डिलीवरी कर रहे थे, और 5-6 उन्होंने ऐसे स्टोर्स इकट्ठे किए हुए थे, लेकिन वहां पे एक लिमिट लगाया होता, हर 30 दिन के अंदर आप सिर्फ एक ये जो प्रोडक्ट है ऑर्डर कर सकते हो। अब 1 पाउंड का वो गेमिंग माउस समझ ले, यानी हर बंदे ने लिया, उसकी रैंकिंग अब उनके वो तगड़े तगड़े अकाउंट है, 80,000 यूनिट्स उन्होंने बेचे। तो मैं थोड़ा शार्प किस्म का बंदा था, मैंने विशलिस्ट में लगा लिया, मैंने क्या किया कि सोचा कि यार महीने के बाद मैं फिर ऑर्डर कर लूंगा, मैंने यार सीरियसली 24-25 ऑर्डर किए ऑफिस में, अब भी मेरे ना लोग यहाँ पे पाकिस्तान में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, 30 दिन के बाद ना अचानक मेरी विशलिस्ट पे ना कबर्ड्स आ रहे हैं, वो लेडीज का वो सेविंग बस्ट होता है वो आ रहा है, अजीब अजीब सी चीज़ें आ रही हैं, और वहाँ पे ना 1 पाउंड लिखा हुआ है। तो मैंने कहा यार फटाफट मंगवाते हैं, जैसे मैंने इसको मंगवाया तो ऑर्डर रिफ्रेश हुआ, तो आगे जी नहीं ये जी 60 पाउंड की, ये जी फलां पाउंड की है। हुआ क्या कि उन्होंने सस्ता आइटम
बेच के उस लिस्टिंग की रैंकिंग ऊपर की और फिर आइटम बदल दिया। ये क्या टैक्टिक दराज पे चलता है? दराज पे यही आपने विशलिस्ट अपने कस्टमर्स को जब आप किसी को ऑफर करें कि ऑनेस्ट रिव्यू के लिए उसे कहने विशलिस्ट पे अपनी हमारी प्रोडक्ट लगा लें, अब हमारे स्टोर को फॉलो कर लें और अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन्हें ईज देनी है। जैसे ज़्यादा ईज देंगे तो आप इजीली अपनी रैंकिंग भी अचीव कर लेंगे, अपने स्टोर के ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर भी अचीव कर लेंगे और अपनी अच्छी पॉजिटिव रेटिंग, सेलर रेटिंग जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है दराज में, वो भी अचीव कर लेंगे। जितनी अच्छी पॉजिटिव सेलर रेटिंग होगी उतने अच्छे ऑर्डर्स आएंगे इंशाल्लाह। मेरा जो एक्सपीरियंस है दराज से, मैंने तकरीबन 33 प्लस आइटम्स दराज से खरीदे हैं। दो बार मुझे ना बंदू ने फ़ोन किया था, सर आइटम कैसा था, यानी यू गाइस हैव द कस्टमर्स नंबर आपके पास होता है? बिल्कुल, कस्टमर का नंबर, कस्टमर का एड्रेस हमारे पास होता है और उसके अलावा हम चैट भी कर सकते हैं कस्टमर के साथ दराज की ऐप के थ्रू। वो चैटिंग थोड़ा रोल है बिकॉज़ वो मैं ट्राई कर चुका हूँ, वो थोड़ा यू नो लाइक बंदे फोन इज द बेस्ट बेस्ट। ठीक है, बंदू ने मुझे पहले भी एक ने फोन किया था बिफोर ये कह के जी सर आपने फला फला आइटम ऑर्डर किया, आप ही ने ऑर्डर किया, अच्छा जी आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने अभी पैक करके रखा हुआ है, बस कंफर्म करना था। और एक बंदे ने मुझे आफ्टर सेल्स फोन किया था, सर वो आइटम अच्छा है कि नहीं। आई वुड हाईली रिकमेंड नंबर वो अपने पास रख लें, 3-4-5 दिन के बाद सर वो आइटम कैसा था काइंडली आप हमें रिव्यू दे दें। ठीक है, उस वक्त वो जो सारी है ना कि जी फेसबुक पे हमें शेयर कर दें, आपके दोस्त यार मेरा भला हो जाएगा, दिस दैट इफ़ यू लाइक डेट ये मेरा वाउचर ले लो, I would recommend you do that. बिल्कुल, ठीक है। दराज कितनी कमीशन चार्ज करता है? बिल्कुल, कमीशन में डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट कमीशन है। लाइक फैशन में 18% है वैट वुड डाल के, यानी वैट GST अकॉर्डिंग टू आपके प्रीमियंस होता है कि आपके सूबे में कितनी ले रही हैं। लाहौर में 16% है तो हम कहते हैं 22% ऑलमोस्ट वैट डाल के है। इसी तरह मोबाइल एक्सेसरीज हैं, हॉट कैटेगरी है तो इसमें 12% है तो हम वैट डाल के 15% कह लेते हैं। इसके अलावा होम एंड किचन है वो भी सेम है, टॉयज हैं वो भी सेम ऑलमोस्ट। ये मैक्सिमम जो दराज ले रहा है वो फैशन पे ले रहा है, वो 18% है। अदरवाइज ये जो आपकी कमीशन है, कमीशन की क्या डिटेल्स है वो भी आप अकाउंट की प्रोफाइल में जाएंगे, वहां पे कमीशन का टैब है, वहां ऑल कैटेगरीज की कमीशन शो हो रही होती है। क्या कोई बंदा ज्यादा होशियार बनने की कोशिश है? भाई मैं तो बड़ा पाकिस्तानी फन्ने हान हूँ, चीज में एक बेच रहा हूँ, कैटेगरी में सस्ती वाली चुन रहा हूँ। कैटेगरी चेंज करेंगे वो आपको पॉइंट्स, आपके पास टोटल 24 पॉइंट्स हैं अकाउंट को बचाने के लिए, रॉन्ग कैटेगरी के आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। कितने कटते हैं? वो एक पॉइंट है अभी, स्टिल अभी दराज 0 पॉइंट काट रहा है लेकिन वो अपील कर रहे हैं कि हम अपील करते जाएं तो वो 0 पॉइंट हो जाता है। अदरवाइज रॉन्ग कैटेगरी से प्रोडक्ट भी लॉक हो जाती है आपकी, प्रोडक्ट डी रैंक हो जाती है आपकी, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी उतनी नहीं होती, इस तरह से वो पकड़ भी लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, आपने राइट कैटेगरी यूज करनी है ताकि प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी सही हो। आप ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी, अकल दिखानी है, ठीक है, मेहनत करनी है पे। अच्छा मिली लड़ो, आपने खोल लिया स्टोर, खोल लिया, अब शकील हमें बताइए रोजमर्रा की जो होती है ट्रांजैक्शनिंग वो कैसे होगी, बिकॉज दैट समथिंग दैट वी मिस्ड, इनको बताया नहीं है। अभी आपको अगर आपने चीज स्टोर ओपन कर लिया, लिस्ट कर दी, ऑर्डर आ गया माशाल्लाह, आपने ऑर्डर पैक करना है, ऑर्डर पैकिंग के लिए आपको एक प्रिंटिंग ना कहा गया, उसने ऑर्डर कर दिया, आपको कैसे पता चलता ऑर्डर आ गया? बिल्कुल, वो सेलर सेंटर पे हमें ऐप भी है और उसकी सेलर सेंटर का पोर्टल भी है, वो ठीक वो आपको पिटिंग पिटिंग करेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि जी फला फला चीज बिक चुकी है, फला फला सेलर को चली गई है, फला फला सेलर का ये पता है और दराज ने पैसे ले लिए हैं। ऐसे ही है, नहीं COD क्या, कैश ऑन डिलीवरी, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, नॉन COD और COD पाकिस्तान में दोनों ऑप्शन, ठीक है, COD कैश ऑन डिलीवरी, अच्छा हो गया। जिस बंदे ने मुझे फोन किया था ना, मैंने आज तक कैश ऑन डिलीवरी नहीं की, मैंने हमेशा क्रेडिट कार्ड से पैसे दे दिए, मेरा क्रेडिट कार्ड उनके साथ जमा हुआ है। सो फिर उसने क्यों मुझे फोन किया होगा? उसने कंफर्म करने के लिए कि वाकई ही आपका ऑर्डर कोई फेक ऑर्डर तो नहीं है, या फेक ऑर्डर करके कोई कंपेटिटर तो नहीं उसकी तंग कर रहा, क्योंकि आपकी जो चीज होगी वो एक्सपेंसिव होगी कुछ। हाँ। तो वो कंफर्म कर रहा था कि अगर मैं इतनी महंगी चीज बेच रहा हूँ, कोई चेंज ना करके रिटर्न ना कर दे, या कोई कंपेटिटर तो नहीं है जो फेक रिव्यू कर दे, इस तरह से चीज़ हो। इतनी महंगी नहीं थी, 99 पेंस के ओवरऑल्स नहीं होते जो मोम के जैकेट्स होते हैं, वो थी, 5 थी, सो दैट मेक्स इट एट 495 रुपीस का ऑर्डर था, प्लस आई थिंक पैंट 60 रुपए ना डिलीवरी के थे। चलिए ठीक है, उसने अच्छा किया अपनी तरफ से किया, उसको नाम मेरा पता था एंड सो फोर्थ, उसने कहा जी अच्छा जी आज़ाद बात करें एंड ये क्या आपने चीज़ ऑर्डर की, वो तो डन हो गया। अब वो लेबल
लेबल प्रिंट करने होते हैं उसके लिए ये कि आप अपना प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट 5000 या 6000 है, जो आपको सेकंड हैंड मिल जाएगा इजीली किसी भी मार्केट से। अगर नहीं, अब ये कोई खास प्रिंटर होता है? नहीं, कोई भी प्रिंटर, प्रिंटर होता है, कोई भी प्रिंटर। अगर नहीं है प्रिंटर तो आप किसी भी फोटोकॉपियर से जाके वो प्रिंट निकलवा सकते हैं। प्रिंट लाजमी है, प्रिंट लाजमी है, क्योंकि आपने वो लेबल करना है ऊपर। वो शिपिंग आपने जब जमा करवाना है लेपर्ड को या TCS को दराज का ऑर्डर, तो वो स्कैन करके आपको एक रिसीविंग देंगे कि वाकई ही आपने ये ऑर्डर दे दिया। उसके ऊपर बारकोड होगा इसलिए, ठीक है, वो ले लिया बारकोड वाला, अपने डब्बे चीज पैक कर दी डब्बे में, उसके ऊपर लगा दिया। मैंने सुना था कि दराज वाला बंदा आपके घर आता है पैकेज लेने के लिए। बिल्कुल, पहले ये सिस्टम था, पहले ये क्या था कि ये पिकअप भी दे रहे थे, कि दराज के जो सेलर्स हैं उनके पास दराज के राइडर आते थे, चीज पिक करते थे और ले जाते थे। अब रिसेंटली अलीबाबा ने ये चेंज किया है कि उन्होंने लाहौर को, पूरी सिटीज को कवर कर दिया है दराज हब से, दराज शॉप्स के नाम से, कि सेलर जाए और नियरेस्ट दराज शॉप पे जाके ड्रॉप कर दे। अगर आपके नियरेस्ट दराज शॉप नहीं है, नियरेस्ट TCS का ऑफिस है या लेपर्ड का है, LMNP है, कोई भी है आपके नियरेस्ट, कोई भी कोरियर सर्विस कंपनी है, वो उनके साथ आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं, आप जहाँ वहाँ जाके अपने पार्सल सबमिट करवा सकते हैं जो ऑर्डर आया होता है। ज़बरदस्त, जब ग्राहक तक पहुंचता है आपको फिर मैसेज आता होगा? जी बिल्कुल सेम एज इट इज, आप जैसे ही ऑर्डर देते हैं तो वो रेडी टू शिप, यानी स्टेटस है उसका, वो स्टेटस चेंज हो जाता है कि ये ऑर्डर आपका शिप्ड हो गया है। इसी तरह सेम एज इट इज जब ये ऑर्डर डिलीवर होता है तो वो भी आपको स्टेटस अपडेट होता है। अब सवाल रह गया, वो जो क्रेडिट कार्ड से पैसे लेते हैं आज लिए, कितने दिन के बाद वो आप तक पहुंचेगा? दराज गारंटी करता है 7 days मैक्सिमम डिलीवरी, लेकिन ऑर्डर सिटी टू सिटी 2 days, और मेन पॉइंट्स जो हब मेन पॉइंट्स होते हैं लाइक इस्लामाबाद मेन सिटी है, कराची मेन सिटी है, तो यहाँ 3 or 4 days। जो दूसरे एरियाज हैं जो जिनको हम 3 points भी कहते हैं, वहाँ पे 4 to 5, 6 days में। मैं सलूगे में रहता हूँ, नहीं मैंने कहा था पैसे आप तक जो पैसे हमारे सेलर्स के तक पैसे कैसे आते हैं, 15 days के 2 cycles हैं, लाइक 15 दिन बाद आपको पेमेंट आपके अकाउंट में मिल जाती है। हर 15 दिन बिल्कुल दिन, 15 दिन। 2 payment cycles, एक 10 तारीख का है, एक 20 यानी 10 of month और 20 of month। इसमें आपको आपकी जो भी सेल्स हुई होती हैं और जो आपके पैसे बन रहे होते हैं वो आपको ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट कैश ऑन डिलीवरी? कैश ऑन डिलीवरी वाला पैसा आपके पास कब आता? बिल्कुल, कैश ऑन डिलीवरी वाला भी सेम एज इट इज है कि आज मैंने ऑर्डर किया, शिप्ड हो गया ऑर्डर कस्टमर के पास, 2 दिन बाद पहुंच गया, जैसे ही कस्टमर ने ले लिया वो उसी दिन मेरे अकाउंट स्टेटमेंट में ऐड हो जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, और 10 तारीख को वो मुझे पैसे दे देंगे। वो हो गया जी। ये चंद सवाल थे जो आई फील लाइक कि मैंने नहीं पूछे थे, दे वर वैल्यूएबल, कीमती थे, हमने पूछ लिया। मुझे तो मजा आया ये वीडियो बनाते हुए, आपको भी आया होगा यकीनन। यस, सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज मैं चिप्स की प्लेट को ख़त्म करूंगा, आपसे इजाज़त मांगूंगा। विल सी यू इन अनदर वीडियो जो इसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे चाशा पी के अमेजोन FBA जिस तरह चीज़ होती है, दराज की भी FBA वाली है, उसमें किस तरह दाखिल होते हैं। इनका नेचुरल स्टेप है कि वो अमेजोन पे चले गए हैं। अली बाबा ने दराज को ख़रीद लिया, इसीलिए इसी तरह अली बाबा ने दूसरी कंट्रीज़ में जो दराज के होते हैं, जो आपने एक नाम बताया लज़ाड़ा, उनको ख़रीद लिया, इंडोनेशिया वगैरह नेपाल ख़रीदे जा रहे हैं, बड़ी से बड़ी बला बनते जा रहे हैं। लेकिन इनके प्लेटफॉर्म सारे एक जैसे होते हैं, एक दिन यकीनन ऐसा आएगा कि ये भी कहेंगे कि हमारी एक कंट्री में सामान ड्रॉप कर दो और वो सब में बिकेगा। अगर आप एक कंट्री को कॉन्कर कर सकते हो तो यकीनन उतना ही आसान होगा टू सेल योर आइटम इन अदर्स। पाकिस्तान बनाने वाला बन रहा है, मैं आपको गवाही दे रहा हूँ, मैं देख के आया हूँ, पाकिस्तान हैज़ स्टार्टेड टू मेक थिंग्स। खान साहब जिंदाबाद, जिन्होंने टैरिफ लगाए हैं, वहाँ से चीज़ लाने में मुश्किल पा रही है, यहाँ पर चीज़ बनना शुरू हो गई है और बनती जाएगी, पाकिस्तान ऊपर आएगा इंशाल्लाह। बट आप साथ देंगे, ही स्टार्टेड विद 25K, आप भी शुरू हो सकते हैं, और या वो हर बार इस्तेमाल करें जहाँ पे किसी रिश्तेदार की चीज़ आप बेच रहे हैं। दराज पे सेकंड हैंड चीज़ बिकती है कि नहीं बिकती? बिकती है, मोबाइल, लैपटॉप, लैपटॉप्स के रिसेंटली अपडेट आई हुई है और लैपटॉप सेल भी हो रहे हैं सेकंड हैंड, उसे रिफब के नाम से बेच रहे हैं लोग और बिक रहे हैं। और सेकंड हैंड क्लोथ्स फैशनेबल? फैशनेबल कभी तक नहीं है वो, नहीं ईबे वगैरह पे होता है, लोग लंडे से ले लेते हैं और वहाँ पे बेच देते हैं, होता है, इट वर्क्स, इट्स अ बिजनेस। अपना ख्याल रखिएगा, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, ये हैं शकील अहमद, हमारी दोनों तरफ से अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू यार।